2009 के जिस तरह हादम हुसैन रिजवी के ऊपर आपने उनको अकाउंटेबल किया, चार्ज किया, तो क्या पीटीएम के ऊपर जब भी कभी आप जब वो अपनी लाइन क्रॉस करते हैं, जो कि आजकल वो देखने में भी आ रहा है कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू क्रॉस देयर लिमिट्स, और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी हैज सम सॉलिड एविडेंस अगेंस्ट अस सो दे शुड टेबल अस, सर क्या नेशनल एक्शन प्लान के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, या फिर जो चार्ज हादिम हुसैन रिजवी के ऊपर लगाया गया है और पीटीएम की तरह के ही कुछ और लोग जैसे बलूचिस्तान में हैं या फिर बाहर बैठे हैं, तो क्या उन तमाम के खिलाफ हादिम हुसैन रिजवी के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं उन्हीं के तहत उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी या नेशनल एक्शन प्लान के जी? थैंक यू वेरी मच। पीटीएम के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, मैंने उनकी जो तीन ओरिजिनल डिमांड्स थी उस पर जो ग्राउंड सिचुएशन है वो मैं आपको बताइए, ख्वा वो सीपीज थी, ख्वा वो माइंस थी या वो मिसिंग पर्सन थे, तो इनकी प्रोग्रेस और स्टेटस जो है वो आपको बता रहा है कि क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। ये तो रियासत की जिम्मेदारी है और रियासत खुद ब खुद कर रही है। अब आप उनकी, आपने कहा एविडेंसेस, लेट दैट टाइम कम व्हेन वी विल चार्ज देम इफ दे क्रॉस दैट लाइन। हम उनको क्यों सख्त हाथ से डील नहीं कर रहे, मैंने आपको सारी बैकग्राउंड बताई है कि वो हर्ट हैं, उन्होंने 15 साल उनके इलाके में जंग हुई है, उनके बहुत सारे रिश्तेदार जो हैं वो उस जंग का शिकार बने हैं दहशतगर्दी के थ्रू या किसी और तरीके से, तो उनकी प्रॉब्लम से रियासत ने या फौज ने आंख नहीं फेरी। मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ वो लाइन क्रॉस करते हैं, जहाँ वो उस किस्म की एक्टिविटीज करते हैं जैसे आपने कहा कि कोई और जो किया तो उनके खिलाफ एक्शन हुआ है, तो हम अभी भी चाहते हैं कि हम इनके साथ पोलाइटली डील करें, लेकिन ये उस लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इनके साथ वही होगा जो कि रियासत अपनी रेट बरकरार करने के लिए रखती है, वो हम करेंगे जी। थैंक यू जन साहब। ये बताइए कि इंडिया असले का सबसे बड़ा खरीदार है, अमेरिका, इसराइल और इवन रशिया के साथ उसके पैक्ट हुए हैं बड़े ह्यूज पैमाने पर, तो हम इंटरनली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हमारी अफवाज पाकिस्तान, अगर इंडिया को बड़ा इकदाम करता तो हम कहाँ खड़े हैं? हम डट के खड़े हैं, बड़ा इकदाम क्या करेंगे, जारियत करेगा तो जारियत का जवाब देखेंगे, तो वो तो समझने की बात है ना। इस पर मैंने बड़ी दफा बात की कि उन्होंने जंगें भी करके देख ली, इंडायरेक्ट भी करके देख ली, तो वो जंग की तो बात ही नहीं है ना, जब जंग करने आएंगे तो फिर देख लेंगे जी। थैंक यू। हम टीवी से जी, प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाक फौज उनका एजेंडा बढ़ाने में उनके साथ काम कर रही है, इस पर अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से काफी क्रिटिसिज्म आया, आप इस पे क्या कहेंगे? जी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सप्लीमेंट। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में आपने जो बात की, जिस तरह समेटा नाजुक वक्त दौर के हवाले से कैसे निकलना है, वो यकीनन एक सबके लिए एक रोल मॉडल है कि इस पे सोचना चाहिए, तो क्या ये सिर्फ मीडिया, बाकी अपोजिशन, बाकी लोग या हुकूमत का भी ये काम है, जहाँ पे फिर इस तरह की कंट्रोवर्सी के बयान जैसे ये आए हैं वो सामने आते हैं, तो क्या ये भी होने चाहिए इस तरह? हाँ जी, आई थिंक इस पे मोर और लेस एक ही सवाल है आप लैंग्वेज जी। बिल्कुल, हर एक को सोचना और मीडिया का बहुत अच्छे रोल की बात की है कि इस जंग में ज़र्बे अज़ब में मीडिया ने टाइड टर्न की, मीडिया ने पब्लिक ओपिनियन चेंज किया, इस रद्दुल फसाद में मीडिया ने वो अवेयरनेस कायम की। मैं सिर्फ जो बात ही कह रहा था कि मीडिया की पावर ऐसी है कि यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर, आप ही मीडियम हैं हॉस्टाइल फोर्सेस का और हमारे लिए आप ही जवाब हैं उन हॉस्टाइल फोर्सेस का। Exactly. You are the first line of defense in fifth generation warfare. Jan sahab,